तो सर यहाँ पे तो ज्यादा बायर एक्टिव होने, मतलब सेलर एक्टिव होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो ग्रीन कलर की कैंडल तो छोटी बनी है, बस इसलिए बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि बायर आप लोगों को दिखाना क्या चाहता है। कैंडल स्टिक का मतलब यही होता है कि अपने को बायर दिखाना क्या चाहता है, सेलर दिखाना क्या चाहता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत यादव। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर अपन ने बात की थी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक डाल दूंगा। आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद में वो वीडियो जाके एक बार जरूर देखना। तो आज अपन बात करने वाले डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले अपन बेसिक जानते हैं। देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता कि भैया ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है या फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो देखिए आप लोग देखते हो कि भैया मार्केट लगातार ऊपर जाता है, मान लेता हूं कि भैया मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, तो मार्केट लगातार ऊपर जाता है ये लो। आप लोगों को यहां पे कोई डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है जो कि मार्केट को रिवर्स कर सकता है, मार्केट को ट्रेंड को चेंज कर सकता है, आप लोगों को यहां पे दिखता है, तो यहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी अपने लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना अपन ने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जाना। तो आज अपन बात करने वाले डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे और सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने जो पैटर्न है अपना फर्स्ट नंबर का जो पैटर्न है उसे मैंने ओपन कर दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कौन सा पैटर्न ओपन किया है, एंगलफिंग पैटर्न ओपन किया। अपन ये सामने यहाँ पे बुलिश एंगलफिंग भी है और बेरिश एंगलफिंग भी है। देखिए यहाँ पे जो इधर की साइड में आप लोगों को दिखेंगे, जो मेरे राइट साइड में आप लोगों का लेफ्ट साइड हो सकता है, उसके अंदर अपन बात करेंगे जो बुलिश पैटर्न होता है, मतलब कि जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। और ये कब बनना चाहिए, देखिए पिछली वीडियोस के अंदर भी अपन ने बात की थी, जो इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर भी अपन ने बात की थी, लेकिन एक बार मैं दोबारा से एक बार दोहरा देता हूं कि मैंने क्या बताया था। देखिए जो बुलिश पैटर्न होता है भैया वो चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए, यहां पे बनना चाहिए, यहां से भी मार्केट को रिवर्स कर देगा, जो मार्केट का ट्रेंड नीचे बना हुआ था उसको ये चेंज कर देगा, अब की बार जो ट्रेंड होगा वो ऊपर की साइड में होगा। तो जो मेरे राइट साइड में आप लोगों को दिखेंगे ये हो गए बुलिश पैटर्न, जो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और जो यहाँ पे इधर की साइड में आप लोगों को दिखने वाले मेरे लेफ्ट साइड में ये होंगे मार्केट को नीचे लेके आने वाले, बेरिश साइड में नीचे लेके आने वाले। और ये कहाँ पे बनने चाहिए, ये बनने चाहिए चार्ट के टॉप पे, यहाँ पे बनने चाहिए। आई होप ये इतना सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए बात करते हैं अपन, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बुलिश एंगलफिंग, मतलब कि बुलिश एंगलफिंग आप लोगों को यहाँ पे दो कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। नंबर वन में बात करूं यहाँ पे आप लोगों को रेड कलर की कैंडल दिख रही है, नंबर टू ग्रीन कलर की कैंडल आप लोगों को दिख रही है। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, देखिए इस पैटर्न की कंडीशन ये रहेगी कि जो रेड कलर की कैंडल होगी वो भैया ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर अंदर बननी चाहिए, मतलब कि अगर ये जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल है ये इससे ऊपर चली जाती है, ऊपर बनती चाहे थोड़ा सा चाहे नीचे या फिर ऊपर, तो भैया ये बुलिश एंगलफिंग नहीं होगा। बुलिश एंगलफिंग अपने लिए तभी होगा जब आगे ग्रीन कलर की कैंडल बनी हो और जो पीछे वाली रेड कलर की कैंडल है वो भैया इसके अंदर ही बननी चाहिए। ये देखो आप लोग यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है और ये रेड कलर की कैंडल है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ये इसके अंदर अंदर बन रही है, ना तो ये इससे ऊपर जा रही है ना इससे नीचे आ रही है, तो ये इसके अंदर अंदर बननी चाहिए। अब अपन कैसे देख सकते हैं कि भैया ये बुलिश कैंडल ही है, देखिए जो सेलर होता है वो भैया आप लोगों को ये भी पता है कि जो रेड कलर की कैंडल होती है वो भैया ऊपर से ओपन होती है, उसने यहां से ओपन किया और वो गई कहां पे भैया क्लोज, उसने यहां तक किया है, ये देखो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, लेकिन जो इसने हाई बनाया भैया ये इसका हाई है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है और जो इसका लो था भैया ये था। अब इस कैंडल को एक बार आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि भैया ये बनना यहां से स्टार्ट होती है, तो जो सेलर होता है भैया वो इसको यहां से यहां तक लेके आता है, यहां तक नीचे हाई तक लेके आता है सेलर, लेकिन उससे पहले भैया ये लो भी बनाती है, मतलब कि पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है उसके बाद में सेलर इसको यहां तक लेके आते हैं हाई तक, और जो भैया बायर होते हैं वो इसको वापस से ऊपर लेके जाते हैं और यहां पे जाने के बाद में क्लोज करवा देते हैं। देखिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये रेड कलर की कैंडल बनी है अपने सामने, तो जो रेड कलर की कैंडल होती है वो भैया ऊपर से ओपन होती है और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो भैया नीचे से यहां से ओपन होती है, इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा।
तो जो सेलर होता है वो भैया पहले तो इसको ऊपर लेके जाता है, बायर इसको ऊपर लेके जाता है, तो लो तो बना देता ही है, लेकिन सेलर एक्टिव ज्यादा है तो सेलर इसको लेके आते हैं यहां तक, हाई तक लेके आते हैं, लेकिन बायर फिर थोड़ा सा जोर लगाते हैं और इसको यहां पे लाके क्लोज करवा देते हैं। अब जो इससे अगली वाली कैंडल है भैया वो ग्रीन कलर की बनी है, मतलब कि बायर के फेवर में, तो बायर होता है वो भैया इसको यहां से ओपन करवाता है, लेकिन जो सेलर होता है भैया वो थोड़ा सा जोर दिखाता है और इसको यहां तक लेके आता है, ये इसका होता है लो पॉइंट, ठीक है। अब यहां से बायर फिर से एक्टिव होते हैं और बायर इसको लेके जाता है यहां तक, ये इसका हाई होता है, लेकिन सेलर थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं और इसको यहां पे लाके क्लोज करवा देते हैं। लेकिन आप लोगों को इस कैंडल को देखने से क्या लग रहा है कि भैया ये छोटी कैंडल बनी है और ये बड़ी कैंडल बनी है, जो बायर है वो वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को देखने से लग रहा है कि भैया ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगी क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो है अपने सामने बेरिश एंगल्फिंग। देखिए बेरिश एंगल्फिंग आप लोगों को यहां पे दिखती है ग्रीन कलर की कैंडल, यहां पे दिखती है रेड कलर की कैंडल, बस अपने सामने शर्त ये होगी कि ये बननी चाहिए चार्ट के टॉप पे और ये बननी चाहिए चार्ट के बॉटम पे। तो अपन यहां पे देख रहे हैं कि भैया जो रेड कलर की कैंडल है, जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल भैया ये इसके हाई को तोड़ नहीं पाई है या फिर लो को नहीं तोड़ पाई है, ये इसके बीच में ही बनती है, इससे ना तो ऊपर बनी है ना ही नीचे बनी है। देखिए आप लोग देख लीजिए, इससे नीचे ही बनी है। तो अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो भैया नीचे से ओपन होती है, मान लेता हूं यहां पे ये ओपन हुई 10 रुपए पे ओपन होती है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। और जो भैया लो भी बनाया इसने, ये भैया इसका लो था, जो सेलर है वो इसको नीचे लेके आए और मान लेता हूं भैया 8 पे इसने लो भी बनाया, लेकिन बायर फिर से एक्टिव होते हैं, बायर इसको लेके जाते हैं यहां से यहां तक, मान लेता हूं भैया 15 के ऊपर बायर इसको लेके आए, लेकिन सेलर थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और इसको 12 के ऊपर लाके यहां पे क्लोज करवा देते हैं। अब इससे नेक्स्ट कैंडल को अपन समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी रेड कलर की, वो ओपन होगी यहां से, क्योंकि रेड कलर ओपन ऊपर से होती है, तो यहाँ पे लो भी बनाया इसने, क्यों, क्योंकि बायर थोड़ा सा एक्टिव हो गए और मान लेता हूँ भैया ये 10 रुपए मान लेते हैं या फिर 12 रुपए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो 12 रुपए पे ये ओपन हुई, तो इसको जो बायर थे वो लेके गए मान लेते भैया, या फिर अपन ने यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था 15 मान लेते कि भैया 15 के ऊपर ओपन होती है, और जो बायर है वो इसको लेके गए मान लेता हूँ 18 मान लेते हैं अपन, ठीक है एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि भैया जो सेलर है वो एक्टिव होते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के लाते हैं, यहाँ तक, ये इसका हाई है, मतलब कि कहां पे 12 कहां पे 18 ये इसको यहां पे लेके आते हैं 8 के ऊपर मान लेता हूं या फिर 7 के ऊपर मान लेता हूं, लेकिन बायर फिर से थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और लाके यहां पे 10 के ऊपर क्लोज करवा देते हैं। लेकिन इसको देखने से क्या लग रहा है कि मतलब बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप लोग देखिए भैया बायर इसको यहां से यहां तक लेके गए थे, लेकिन जो सेलर है भैया इसको कहां से कहां तक ले आया, तो इसको देखने से लग रहा है कि भैया सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर की नहीं चलने वाली, बायर की नहीं गलेगी, यहाँ पे भैया सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो आप लोग देखिए अगर ये यहाँ पे बनेगी चार्ट के टॉप पे तो भैया ये यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग, तो यहाँ पे अपने को यही समझना है कि बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो भैया वो बुलिश एंगल्फिंग और चार्ट के बॉटम पे, और यहाँ पे अगर रेड कलर की बड़ी कैंडल बनेगी, ग्रीन कलर की छोटी बनेगी तो चार्ट के टॉप के ऊपर, बस इतना सा समझना और कुछ भी नहीं समझना। अब अपन इसको चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि भैया ये जो अपन समझ रहे हैं कि ये चार्ट के ऊपर भी कभी बनता है और क्या अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए आप लोग मेरे पीछे देखिए, यहां पे मैंने आप लोगों को बताया, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, येलो, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग यहां पे, ओके यहां पे आप लोग देखिए मैंने ओपन किया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहां से मार्केट नीचे आ रहा था, रिवर्स आ रहा था, ये देखिए डाउन ट्रेंड यहां पे लिखा हुआ, डाउन ट्रेंड यहां पे अपने को दिखा कि भैया ये बनता, देखो शैडो हो सकती है, मान लेता हूं येलो भैया मेरे शैडो लगा दी है, शैडो से अपने को उतना फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को यही देखना है कि ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल इससे नीचे बननी चाहिए, इसके बीच में बननी चाहिए, बस ये समझना है, ठीक है। मान लेता हूं येलो भैया मैंने शैडो लगा दी है इसके, तो आप लोग देख रहे हो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहां पर बनी है भैया ग्रीन कलर की कैंडल, बड़े भाई बना, बड़ा साहब बना, बड़े दादा बने यहां पे, ये देखिए ग्रीन कलर की कैंडल, और यहां से ये जो डाउन ट्रेंड था उसको चेंज कर देता है और इसको अप ट्रेंड के अंदर लेके आता है। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये मार्केट को ऊपर लेके गया है। आप लोग चार्ट के ऊपर जाना, बैक टेस्टिंग करना, जितना चाहो उतना करना, फिर मुझे बोलना कि सर आप गलत बता रहे हो, यहां से ये मार्केट नीचे आ रहा था, यहां पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है बड़ी और रेड कलर की छोटी बनी है, तो अपने को पता लग जाता है कि भैया बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कहां पे बनी है, जब बुलिश होगी तो चार्ट के बॉटम पे, देखिए चार्ट के बॉटम पे बनी है, और यहां से ये डाउन ट्रेंड को ये लो ऊपर की साइड में,
देख रहे हो आप लोगों के सामने। चलिए एक अपन बेरिस एंगलफिंग का भी देख लेते एक बार, आ जाइए आप लोग, बेरिस एंगलफिंग का भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिस एंगलफिंग, ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये लो, ओके इसको मिटा दिया मैंने। आप लोग देख रहे हो भैया अप ट्रेंड था मार्केट भैया ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है अप ट्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिस एंगलफिंग पैटर्न। यहाँ पे अपने को दिखा कि भैया ग्रीन कलर की कैंडल छोटी बनी है कंपेयर टू रेड कलर की कैंडल। रेड कलर की कैंडल देखिए आप लोग यहाँ पे, मतलब कि इसके अंदर अंदर बनी है, ये लो इसके अंदर बनी है, ये कौन सा पैटर्न हो गया, बेरिस एंगलफिंग। यहीं से मार्केट रिवर्स, मार्केट नीचे कहां पे बनी है, चार्ट के टॉप पे देख लीजिए, बॉटम ये हो गया, टॉप ये हो गया, यहां पे बनी है मार्केट नीचे। आप लोग जाना बैक टेस्टिंग करना, उसके बाद में दिल खोल के कमेंट करना कि सर आप गलत बता रहे हो। अब अपन बात करते हैं, ये तो अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब अपन दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए आप लोग, ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न मैंने निकाला आप लोगों के लिए, यहाँ पे बुलिस हरामी, वो वाला हरामी नहीं है कि आप लोग सोचो कि साले तू हरामी, वो वाला नहीं है। देखिए जापानीज नेम है, देखिए जो इसका नाम रखने का सबसे बड़ा पता है रीजन क्या है, जब जापान के अंदर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे बोलते हैं अपन हरामी, मतलब जापान के अंदर बोलते हैं लोग जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे हरामी बोलते हैं। अपने इंडिया में तो भैया हरामी का कुछ अलग ही मतलब है, यहाँ पे तो भैया कोई हरामी भी बोल दे तो लड़ाई झगड़ा क्या लात गुस्से हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा जोक कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिखता है बुलिस हरामी, जो हरामी का नाम यहाँ पे निकला है वो निकला है जब जापान के अंदर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बोलते हैं हरामी। तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये मान लेता भैया मोम हो गई, मदर हो गई और ये बेबी हो गया, देख रहे हो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बुलिस हरामी, मतलब कि जापान के अंदर लोग महिला को बोलते हैं तो इसलिए इसका नाम रखा गया था। अब अपन इसको समझ लेते हैं इसका क्या है क्या नहीं कंसेप्ट। देखिए आप लोगों को थोड़ा अलग दिख रहा होगा ना उसके अंदर भी है, जो रेड कलर की कैंडल वो बड़ी बन रही थी आगे की तरफ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी होता है कभी कभार, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छी तरीके से समझना है। आप लोगों को यहाँ पे दिखा येलो भैया यहाँ से यहाँ तक क्या खतरनाक रेड कैंडल बनी है, तो सर यहाँ पे तो ज्यादा बायर एक्टिव होने मतलब सेलर एक्टिव होना चाहिए ना, यहाँ पे तो ये तो ग्रीन कलर की कैंडल तो छोटी बनी है, बस इसलिए बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि बायर आप लोगों को दिखाना क्या चाहता है, कैंडल स्टिक का मतलब यही होता है कि अपने को बायर दिखाना क्या चाहता है, सेलर दिखाना क्या चाहता है। दिखने में तो अपने को यही लग रहा है कि भैया मार्केट नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि रेड कलर की कैंडल बड़ी बनी है, लेकिन बायर का जो मोटिव है भैया वो समझो कि बायर इस कैंडल के थ्रू अपने को दिखाना क्या चाहता है, ये समझो आप लोग। देखिए ये यहाँ से ओपन होती है भैया, ग्रीन रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, मान लेता हूँ ये 15 के ऊपर ओपन होती है, ये लो अभी यहाँ से अपने को दिखता है कि भैया जो बायर है वो हल्का सा जोड़ लगाते हैं और इसको 18 के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन भैया सेलर एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के ले आते हैं, मान लेते हैं भैया 10 के ऊपर ले आते हैं इसको, लेकिन बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर इसको लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ तक 12 के ऊपर क्लोज करवा देते हैं। अब जो इसकी शर्त होगी, जो इस पैटर्न की हल्की सी शर्त, छोटी सी शर्त है, वो यही होगी कि ये जो आप लोगों को गैप दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए ये इतना बड़ा गैप दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हल्का सा थोड़ा सा छोटा सा गैप अप ओपन होना चाहिए, अगर बुलिश पैटर्न होगा तो हल्का सा गैप अप ओपन होना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि मान लो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो भैया ऊपर से ओपन होती है, मान लेता हूँ ये 13 या फिर 14 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है 14 के ऊपर ये ओपन होती है। अब जो भैया सेलर है वो थोड़ा सा जोड़ लगाते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, वापस 12 के ऊपर ले आते हैं, लेकिन भैया बायर स्ट्रोंग होते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, मान लेता हूँ भैया इसने 15 या फिर 16 मान लेते हैं, 16 के ऊपर लेके जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए आप लोगों को समझना है, बाकी ऐसा नहीं है कि सर आपने यहाँ पे तो 15 लिखा है यहाँ पे 16 लिख दिया, समझना है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सेलर अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो ये मान लेता हूँ भैया 12 के 14 के ऊपर ओपन होती है, सेलर जोड़ लगाता है 12 के ऊपर इसको लेके आता है, लेकिन बायर स्ट्रोंग होता है इसको 16 के ऊपर लेके जाता है, लेकिन थोड़ा सा जोर हल्का सा दिखाते हैं सेलर और वो इसको यहाँ पे मान लेता हूँ भैया 15 के ऊपर लाके क्लोज कर देते हैं। तो अपने को यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि सेलर यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे लेके आना चाहता था, लेकिन सबसे पहली बात तो बायर ने इतना जोर लगाया कि ये गैप अप ओपन हो गई, सबसे पहले ये देखना है। दूसरी बात, सेलर इसको नीचे भी लेके आए, लेकिन भैया बायर इसको कहाँ तक लेके गए ऊपर, देखिए आप लोग कितना ऊपर लेके गए यहां से यहां तक। अब जो सेलर है वो भैया यहां पे हल्का सा जोड़ लगाता है और इसको यहां पे नीचे यहां तक लाके क्लोज कर देता है, 15 के ऊपर लाके क्लोज कर देता है। तो इसको देखने से क्या लगता है कि यार सेलर स्ट्रॉन्ग है या बायर स्ट्रॉन्ग है? देखिए देखने से तो यही लग रहा है, मानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो, मानता हूं कि यार इसके अंदर सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन आप लोग समझो
जो भैया पहली बात तो गैप अप ओपन हो गया, एक दो पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, दूसरी बात सेलर नीचे तो लेके आया लेकिन बायर इतना जोर लगाया कि इसको यहां तक लेके चले गए। अब सेलर बेचारा थोड़ा सा जोर लगाता है और इसको यहां पे यहां तक लाके क्लोज कर देता है। तो भैया इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? भैया जाहिर सी बात है बायर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है बायर ने, तो बायर ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनती हुई आप लोगों को यहाँ पे दिखती है तो भैया ये यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, समझ लेना। आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देखना दोनों को, वीडियो को रिवाइज करना और देखना कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। इधर के साइड में बात कर लेते हैं, आप लोग आ जाइए बेरी सिंगल फिंग। देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे अपन अच्छी तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे देखने से तो अपने को ये लग रहा है कि सर ये कैंडल लेके जानी चाहिए मार्केट को ऊपर, क्योंकि क्या खतरनाक तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। लेकिन आप लोग समझो यहाँ पे ये कैंडल ओपन होती है, मान लेता हूँ अपन थोड़ा बड़े फिगर्स की बात करते हैं, ये लो भैया 10 पे ओपन होती है और जो भैया सेलर है वो इसको नीचे लेके आता है यहाँ तक, मान लेता हूँ 5 के ऊपर लेके आया, इसको 5 तक ले आया, लेकिन भैया बायर जोर लगा था और इसको यहाँ से यहाँ तक 20 के ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन बायर जो सेलर होता है वो जोर लगाता है और इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ 15 के ऊपर लाके क्लोज कर देता है। अब जो दूसरी कैंडल बनी है वो भैया मान लेता हूँ 13 के ऊपर ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, एक तो पॉइंट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। तो मान लेता हूं भैया ये 13 के ऊपर कैंडल ओपन होती है, ये बनना स्टार्ट होती है, तो यहां से सॉरी गाइस यहां से 13 के ऊपर यहां से बनना स्टार्ट होती है, मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया है, यहां पे ये बनना ही है। तो जो भैया बायर है वो जोर लगाता है और इसको यहां पे 14 के ऊपर लेके आता है, लेकिन सेलर इतना जोर लगाता है साला यहां से यहां तक लेके आता है, कहां तक लेके आता है मान लेता हूं 8 तक ले आता है, लेकिन बायर जोर लगाते हैं और इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं, ये लो भैया 7 के ऊपर या फिर मान लेता हूँ 9 के ऊपर लाके क्लोज कर देते हैं। तो अपने को देखने से क्या पता लग रहा है इसके अंदर कि भैया बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए बायर ने तो सबसे पहले यहाँ पे लेके गया, बायर एक दो पॉइंट ऊपर लेके गया और ओके, लेकिन सेलर इसको खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके आया, सेलर ने बहुत तगड़ा जोर लगाया भैया तभी तो इतना नीचे आई है ये कैंडल, और बायर फिर छोटा सा जोर लगाता है यहाँ पे क्लोज करवा देता है। मतलब कि इसके अंदर सेलर छोटा जोर लगा रहा था, इसके अंदर बायर छोटा जोर लगा रहा है, मतलब इस कैंडल के अंदर समझने यही है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि दो गाड़ियां अपन मान लेते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों गाड़ियों को बांधते हैं, अगर एक गाड़ी अपन ड्रॉ कर देते हैं लाइन की भैया, अगर इस लाइन से ये दोनों लाइन है जो सबसे पहले जाएगी या फिर मान लेता हूँ जो सबसे ज्यादा जोर लगाएगी वही पहुंचेगी, तो अपन देखते भैया ये गाड़ी पहुंचती है यहाँ तक, मतलब कि लाइन से इतनी सी दूर रह जाती है, और जो भैया ये वाली गाड़ी ये लाइन को क्रॉस कर देती है इतना सा, तो भी भैया जीतेगी तो वही। तो इसके अंदर भी अपने को यही समझना है कि सबसे ज्यादा मान लेता हूँ भैया बायर 50% जोर लगा रहा है, 30% जोर लगा रहा है, लेकिन जो सेलर है वो भैया 70% जोर लगा रहा है, तो जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है 70% वाला, तो यही समझना है। अब अपन इसको एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि भैया ये किस तरीके से काम करती है, जो अपन देख रहे हैं कि भैया ये रिवर्स को चेंज कर देगी, ट्रेंड को चेंज कर देगी, क्या सच में कर पाएगी? चलिए देखते हैं अपन चार्ट के ऊपर। अपने सामने यहाँ पे निकल के आता है बुलिश हरामी, यहाँ पे अपने को दिखा है, नाम आप लोग देख सकते हो बुलिश हरामी, जो भैया जो ट्रेंड था भैया वो नीचे की साइड में था, ये देखिए आप लोग क्या खतरनाक तरीके से मार्केट नीचे आ रहा था, पूरा का पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ था, ये देखिए आप लोग। लेकिन यहाँ पे अपने को दिखा कि यहाँ पे बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, लेकिन उससे अगली वाली कैंडल छोटी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की कैंडल। देखिए यहाँ पे और समझाना चाहूंगा, ये ओपन होती है यहाँ से, जो सेलर होता है वो भैया यहाँ से यहाँ तक लेके गया, बायर ने भैया जोड़ लगाया, बायर ने यहाँ तक लाके इसको क्लोज कर दिया। देखिए ऊपर वाली कैंडल हो भी सकती नहीं भी हो सकती, अगर होगी तो मान लेना बायर इसको यहाँ तक लेके गया, लो बनाया, ठीक है, तो बायर इसको लाके भैया यहाँ पे क्लोज कर देता है, और अगली वाली कैंडल देखो गैप अप ओपन हो रही है, आप लोग देखिए भैया कैंडल ने तो क्लोज किया था यहाँ पे, लेकिन ये ओपन हो रही है यहाँ से यहाँ से, ये तो भैया लो है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर ओपन तो यहाँ से हुई है, भैया ये लो है, कैंडल ने लो बनाया, ओपन होती है यहाँ से, मतलब कि मान सकते हो आधा पॉइंट एक पॉइंट से ऊपर होती है कैंडल, ओपन ऊपर होती है, तो आप लोग समझ जाइए कि भैया ये कैंडल बनी है बुलिश हरामी। तो भैया ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये कैंडल भैया ऊपर बनी है और यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हो क्या खतरनाक तरीके से ट्रेंड गया ऊपर, बुलिश ट्रेंड आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और ट्रेंड का खतरनाक तरीके से ऊपर गया है। छोटी कैंडल बहुत से लोगों को लग रहा है, अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, मुझे पता है बहुत से लोगों को डाउट है, मेरे खुद के डाउट रहता है कभी कभी कि यार अपने को देखने से तो ये लग रहा है कि यार क्या खतरनाक तरीके से कैंडल बनी है, तो मार्केट को तो यहाँ से और नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता भैया, ये पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था लेकिन जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना है क्या खतरनाक तरीके से मार्केट ऊपर गया, आप लोग देख सकते हो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं बुलिश हरामी। नेक्स्ट में बात करूं, अपन ने बेरिश हरामी की बात की, जस्ट अ सेकंड में यहां पे ओपन कर देता हूं, बेरिश हरामी अपने को दिखता है, बेरिश हरामी थोड़ा सा आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकंड
येलो, आप लोगों को अब थोड़ा सा अच्छी तरीके से साफ दिख भी जाएगा। यहाँ पे अपने को दिखता है बेरिस हरामी, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा ना, जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, ये देखिए अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे बनी है बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल और यहाँ पे बनी है छोटी रेड कलर की कैंडल। देखिए जो जो बायर का ये जो सेलर होता है उसके माइंड में क्या हो रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है कैंडल के अंदर अपने को, कैंडल को फील करना होता है, कैंडल को समझना क्या होता है कि मतलब यार ये जो कैंडल बनी है ये क्यों बनी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो जोड़ लगा है वो बायर ने लगाया या सेलर ने लगाया। तो यहाँ पे दिखा कि भैया ये जो ये कैंडल बनी है इसके अंदर 70% जोड़ तो लगाया सेलर ने और 30% जोड़ लगाया बायर ने, तो जीतेगा कौन 70% वाला। यही से मार्केट का रिवर्स जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाता है, आप लोग देख पा रहे हो। उसके अंदर मार्केट ऊपर जा रहा था, इसके अंदर मार्केट नीचे आ रहा है। देखिए समझना आप लोग इसके बारे में, दो मतलब कि बैक करके वीडियो को, रिवर्स करके वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी बहुत से लोगों को मुझे पता है अभी भी डाउट है, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनके अभी भी डाउट हो सकता है। अब अपन नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, जो थर्ड नंबर का होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। अब सर ये कौन सा पैटर्न आ गया, इसके बारे में तो हमने पहली बार सुना है, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना है, ठीक है। बाकी तगड़ा काम करेगा, अभी अपन चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पियर्सिंग लाइन और दूसरा लिखा हुआ डार्क क्लाउड कवर, ये बेसिकली काम करेगा ट्रेंड को नीचे लाने के लिए और ये बेसिकली काम करेगा ट्रेंड को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बहुत से लोग ये भी ये सोच रहे हैं कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था आपके जो राइट साइड में होगा वो होगा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, देखने से लग रहा है आप लोगों को। अब इसको समझते हैं, इससे जो अगली, जस्ट अ सेकंड में ओपन कर देता हूँ, इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है भैया ये होता है अपने सामने डार्क क्लाउड कवर, ये उसका मैंने सामने ओपन किया है, आप लोगों को यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ये डार्क क्लाउड कवर। अब इसके अंदर अपने को समझना है ये होता है, अगर ये चार्ट के ऊपर बनेगा, टॉप पे बनेगा, तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, लेकिन कैसे सर, ये तो इसका हाई या फिर लो को किसी को भी नहीं तोड़ रहा, तो ये कैसे नीचे लेके आएगा। देखिए मार्केट भैया अप ट्रेंड के अंदर था, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यहाँ पे, क्योंकि अब ट्रेंड था तो ग्रीन कलर की कैंडल होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो अगली वाली कैंडल बनी है वो बनी है भैया रेड कलर की कैंडल, इसके अंदर अपने को ये नहीं समझना कि भैया कहाँ से ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, हाई क्या बनाती है, लो क्या बनाती है, ये नहीं समझना। इसके अंदर देखना है अपने को कि जब भी अगर डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो मार्केट पहली बात तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, लेकिन जो अगली वाली कैंडल बनी है रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। देखिए शर्त ही है, रेड कलर की कैंडल होगी और वो इसके 50% भाग को तोड़ के ऊपर यहां पे क्लोज करेगी, मतलब देखिए 50% भाग ये हो गया, 50% भाग ये हो गया, ये जो कैंडल बनी है रेड कलर की कैंडल बनी है ये भैया 50% भाग के नीचे आके क्लोज करनी चाहिए, मतलब कि मान सकता हूं 70% तक क्लोज करनी चाहिए। ये इसका 50% भाग हो गया, ये 50% भाग हो गया, पार्ट हो गया, यहां पे इसका 70% हिस्सा हो गया, हो जाता है यहां पे। तो अगर ये कैंडल 50% भाग से ऊपर आके क्लोज करती है, अभी अपन उसकी बात करेंगे पियर्सिंग लाइन की भी, वो यहां पे क्लोज करेगा 50% से ऊपर क्लोज करना चाहिए, ये 50% से नीचे क्लोज करेगी तो भैया ये डार्क क्लाउड कवर होता है और ये मार्केट को नीचे लेके आएगी। अब आप लोग वहां पे आ जाइए, पहले वाली जो फोटो दिखाई थी उसके अंदर आ जाइए। देखिए मुझे पता है वीडियो अपनी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, लेकिन समझना अपने लिए बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से समझना भी जरूरी है। बाकी मैं जल्दी जल्दी बता सकता था आप लोगों को कि ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये इस तरीके से बनता है, लेकिन मेरा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि अगर आप लोग सीख रहे हो तो आप लोगों को एक एक चीज बारीकी से समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है भैया कि सर ने बता दिया, ओके ठीक है दिमाग से चला गया। भैया कैंडल कहाँ से ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज करती है, हाई क्या है, लो क्या है, 50% भाग से ऊपर बन रही है तो वो कौन सा पैटर्न है, अगर 50% भाग से नीचे बन रही है तो क्या वो काम करेगी नहीं करेगी, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। देखिए मैंने बोला डार्क क्लाउड कवर, जो ट्रेंड था भैया वो ऊपर की साइड में था येलो, अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बनी रेड कलर की कैंडल, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे सोचेंगे मार्केट तो ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी भैया ट्रेंड तो ऊपर की तरफ भी जाएगा, ये बहुत से लोग बोलेंगे जो काम करते हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं कि भैया अगर इसके लो को या फिर मैं यू कहूं जहां पे इसने ओपन किया था उसको अगर नहीं तोड़ पाती ये कैंडल तो भैया मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, ये बहुत से लोग सोचेंगे। लेकिन आप लोग ये देखिए भैया मैं इसको 50% भाग में बांट देता हूँ, ये लो
50% भाग ये हो जाता है, 50% भाग ये हो जाता है। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये 50% भाग से भी ऊपर जाके क्लोज करी है, ये इसका 70% हिस्से को कवर कर रही है ये रेड कैंडल। तो समझ जाना अपने को कि अगर 50% से ऊपर 50% से ऊपर ये कैंडल इस पिछली वाली कैंडल के भाग को हिस्से को कवर कर रही है तो ये बनता है डार्क क्लाउड कवर और ये ट्रेंड को नीचे लेके आएगी। आप लोग देख सकते हो, अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, चार्ट और दिखाऊंगा आप लोगों को। यहां पे इधर मैं बात करूं भैया, डाउन ट्रेंड था और अपने सामने निकल के आया पियर्सिंग लाइन। नाम अपने को याद रखना है नहीं रखना, लेकिन ये देख लेना कि भैया ये चार्ट के बॉटम पे बनना है या ऊपर बन रहा है। बॉटम पे बनेगा तो जाहिर सी बात है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, टॉप पे बनेगा तो जाहिर सी बात है वो मार्केट को नीचे लेके आएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अपने को दिखता है पियर्सिंग लाइन 50% भाग के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। ये मान लेता हूं भैया 50% भाग ही हो गया, 50% भाग ही हो गया। ये कैंडल 60% या फिर मान लेता हूं 55, 60%, 70% हिस्से को कवर कर रही है पिछली वाली कैंडल के। तो समझ जाना ये बना है पियर्सिंग लाइन और यहां से मार्केट क्या खतरनाक तरीके से ऊपर गया है, देख सकते हो आप लोग। इसके बारे में गूगल करना अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है अभी भी अच्छी तरीके से सीखना। मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं, यहां पे आप लोग देखिए डार्क क्लाउड कवर, ये वो पैटर्न अभी अपन ने बताया जो मार्केट को नीचे लेके आएगा। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं, एक जस्ट अ सेकंड। यहां पे अपने सामने निकल के आया कि भैया जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, ये लो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था। यहां पे बना है अपने सामने डार्क क्लाउड कवर, मतलब कि ये कैंडल बनी ग्रीन कलर की, क्यों? क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ था। तो यहां पे इसका 50% हिस्सा में येलो कवर कर देता हूं, येलो ये 50% भाग ही हो गया, 50% भाग ही हो गया। मान लेता हूं ये 60% हिस्से को कवर कर रही है ये वाली कैंडल पिछली वाली कैंडल के, मतलब कि इस हिस्से में आके क्लोज कर रही है। तो समझ जाओ ये बना है डार्क क्लाउड कवर और ये मार्केट को नीचे लेके आएगी, ट्रेंड को नीचे लेके आएगी। आप लोग देख सकते हो आंखों के सामने, गूगल के ऊपर जाना जितनी चाहो उतनी बैक टेस्टिंग करना, फिर मुझे बोलना। अपन बात करें पियर्सिंग लाइन की, आ जाइए आप लोग। यहां पर देखिए क्या खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है अपनी। यहाँ पे आप लोग देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये देखिए क्या खतरनाक तरीके से कैंडल नीचे बनी है, बहुत से लोगों ने तगड़ा प्रॉफिट उठाया होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अपने को दिखता है कि भैया यहाँ पे बना है पियर्सिंग लाइन, वो कैसे? यहाँ पे बनी है रेड कलर की कैंडल, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी, लेकिन जो अगली वाली कैंडल है वो भैया इसके 50% भाग के ऊपर हल्का सा जाके क्लोज कर रही है, या फिर अपन इसको मान सकते हैं। ये देखिए ये रेड कलर की कैंडल बनी, ये 50% भाग ये हो गया, 50% भाग ये हो गया। ये जो अगली वाली ग्रीन कलर की कैंडल है ये 50% भाग से ऊपर जाके क्लोज कर रही है, ये देखिए 50% भाग तो ये हो जाता है, ये यहाँ पे क्लोज कर रही है। तो आप लोगों को समझ जाना है पियर्सिंग लाइन ये पैटर्न बना है और ये ट्रेंड को चेंज करने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो एक दो कैंडल तो बनी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में आप लोग देखिए क्या खतरनाक तरीके से मार्केट ऊपर गया है, क्या खतरनाक तगड़ा प्रॉफिट अपने को यहाँ पे देखने को मिला होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई ये दोनों पैटर्न। अब अपने बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, आप लोग आ जाइए यहाँ पे दूसरे पैटर्न के ऊपर चलते हैं। ये लो दूसरा पैटर्न होगा अपने लिए ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप। अपने सामने ये बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हैं कि सर ये तो हमने पहली बार, सच में पहली बार सुना है। यहाँ पे ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप अपने सामने दो पैटर्न निकल के आते हैं। इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं समझना, बस अपने को एक छोटी सी बात ये समझनी है कि ट्विजर बॉटम ये बनना चाहिए चार्ट के बॉटम पे और क्या इसका बॉटम अपन मिलाने वाले, और ये बनना चाहिए चार्ट के टॉप पे। ट्विजर बॉटम आप लोग यहां पे देख रहे हो भैया रेड कलर की कैंडल बनी है और ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। देखिए आगे पीछे कोई सी भी कैंडल बन सकती है, मतलब ये पहले ग्रीन बन सकती है बाद में रेड बन सकती है, ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि भैया पहले रेड ही बनना चाहिए फिर बाद में भैया ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने को सिर्फ यहां पे दो चीज देखनी है कि इसका जो लो है, क्योंकि ट्विजर बॉटम पे अपन देखने वाले लो और ट्विजर टॉप पे देखने वाले हाई, बस इतना सा देखने वाले हैं कि ट्विजर बॉटम जो इन दोनों कैंडल ने लो बनाया भैया वो दोनों बराबर सेम होने चाहिए, बिल्कुल ना तो ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। जो बॉटम बनाया दोनों कैंडल ने, मान लेता हूं भैया ये बॉटम मानते हैं अपन कि ये तो हो गया, इसका तो लो हो गया और इसका मान लेते भैया ओपन पॉइंट हो गया, जो भी हो गया इसका तो क्लोजिंग हो गया और इसका ओपन पॉइंट हो गया। ठीक है,
तो अपने को वो नहीं देखना, बस अपने को तो ये देखना है कि ट्यूजर बॉटम का मतलब है कि जो दोनों कैंडल ने बॉटम बनाया, जो नीचे बॉटम बनाया, वो दोनों का बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए बिल्कुल। जहां पे पिछली वाली कैंडल ने बॉटम बनाया, अगली वाली कैंडल ने भी बॉटम वही बनाया, सेम टू सेम डिट्टो। मतलब कि 10 के ऊपर इसने क्लोजिंग की तो 10 के ऊपर ही ये क्लोजिंग करनी चाहिए। तो ये बन जाता है अपने सामने ट्यूजर बॉटम। डाउन ट्रेंड में था मार्केट, क्योंकि मैंने बोला कि ये मार्केट मेरे राइट में है, तो ये बुलिश पैटर्न है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर ये चार्ट के बॉटम पे इस तरीके से अपने को बनता हुआ पैटर्न दिखता है, मतलब कि दोनों का जो बॉटम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो इस तरीके से अपने को बनता हुआ दिखेगा, तो समझ जाना ये ट्यूजर बॉटम और ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब अपन बात करें ट्यूजर टॉप की, अभी आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, घबराइए मत। ट्यूजडे टॉप की मैं बात करूं कि भैया जो इसने हाई बनाया, ये देखिए दोनों कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं कि मतलब कि जो दोनों कैंडल ने टॉप बनाया, ये देखिए इसने भी भैया मान लेता हूं 12 के ऊपर क्लोजिंग की, इसने 12 के ऊपर क्लोजिंग की, तो जो दोनों ने टॉप बनाया वो भैया दोनों का सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम डिट्टो के डिट्टो सेम होना चाहिए। और चार्ट के कहां पे बनेगी, ऊपर बनेगी, क्योंकि ट्यूजर बॉटम और ट्यूजर टॉप, इसके अंदर अपन टॉप को कंसिडर करेंगे, इसके अंदर अपन बॉटम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपन देख रहे भैया दोनों का जो टॉप है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसने भी 12 के ऊपर क्लोजिंग की है, इसने भी 12 के ऊपर, तो दोनों का जो भैया टॉप है वो बिल्कुल सेम है। तो ये यहां से ट्रेंड को चेंज कर देगी, मार्केट नीचे आ जाएगा। यहां पे अपन देखेंगे बॉटम, दोनों का बॉटम सेम है, ये मार्केट को ऊपर लेके चली जाएगी। चलिए अब अपन देख लेते चार्ट के ऊपर, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार आपको ताकि अच्छी तरीके से दिखे। जस्ट अ सेकंड, मिट जा यार, मिट जा। ओके मैं नेक्स्ट ओपन कर देता हूं। देखिए मैंने बोला, ये देखिए अब इसके अंदर छोटी सी चीज आप लोग और समझ लो, बस अपने को यही देखना है ट्यूजर टॉप या फिर ट्यूजर बॉटम के अंदर कि भैया ये अगर अपन ट्यूजर बॉटम देख रहे हैं तो जो नीचे बॉटम बना है वो भैया दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे कैंडल पिछली वाली कैंडल बड़ी बनी हो चाहे छोटी बनी हो, दोनों कैंडल बराबर हो या नहीं हो, ये नहीं देखना अपने को भैया। बस अपने को यही देखना है कि अगर बॉटम पे देख रहे हैं अपन, ट्यूजर बॉटम को देख रहे हैं, तो जो बॉटम बना है वो भैया दोनों का सेम होना चाहिए, बाकी चाहे कैंडल छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। आप लोग यहां पे देखिए भैया ट्यूजर टॉप बना है, दोनों का टॉप बराबर है, लेकिन एक कैंडल बड़ी बनी है, एक कैंडल छोटी बनी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को देखना है कि भैया ट्यूजर टॉप बनी है तो दोनों का जो टॉप है वो बराबर है या नहीं है, बस इतना सा देखना है। ये देखिए यहां पे छोटी, यहां पे बड़ी, यहां पे बड़ी, यहां पे छोटी, ये नहीं देखना, बस अपने को तो ये देखना है कि इन कैंडल्स का टॉप या फिर बॉटम दोनों बराबर है या नहीं है। अब अपन चार्ट के ऊपर आते हैं, आ जाइए आप लोग, ये देखिए यहां पे मैंने बोला ट्यूजर टॉप बन रहा है, ये लो ट्यूजर टॉप, ये मार्केट ऊपर था भैया, क्या खतरनाक तरीके से ट्रेंड ऊपर की तरफ था, लेकिन यहां पे अपने को दिखा ट्यूजर टॉप, यहां पे अपने को मान लेता हूं ये आप लोगों को ग्रीन ब्लू कलर की दिख रही होगी, सॉरी गाइस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, ब्लू कलर की अपने को यहां पे दिख रही होगी, लेकिन ये ग्रीन कलर की है, ठीक है, कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अपने को दिखा कि भैया ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ये रेड कलर की कैंडल बनी है, दोनों का टॉप सेम है, बाकी ये कैंडल बड़ी है, ये कैंडल छोटी है, नहीं देखना अपने को, अपने को ये देखना ट्यूजडे टॉप बना है तो दोनों का जो भैया टॉप है वो बराबर है या नहीं है। सर बराबर लग रहा है, बिल्कुल के बिल्कुल बराबर है, तो आप लोग ट्रेंड देख सकते हो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और क्या तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला होगा आप लोगों को यहां पे। ट्यूजर बॉटम की मैं बात करूं, बॉटम निकाल लेता हूं एक बार, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा यहां पे ट्यूजर बॉटम, ये देखिए ट्यूजर बॉटम, अपने को नाम लिखा हुआ है ट्यूजर बॉटम, बाकी आप लोगों को साफ तो दिख रहा होगा यार। तो यहां पे आप लोग देखिए भैया, ये बनी है रेड कैंडल, ये बनी है भैया ग्रीन कलर की कैंडल, कहां पे बनी है भैया, नीचे बनी है, बॉटम के अंदर बनी है। अब अपने को ये नहीं देखना भैया ये कैंडल बड़ी बनी है, ये छोटी बनी है, नहीं, अपने को ये देखना जो दोनों का लो है, जो दोनों का बॉटम है, वो सेम है या नहीं है। आप लोग देख लीजिए दोनों का बिल्कुल बराबर के बराबर है, दोनों का यहां पे बनता अपने सामने ट्यूजर बॉटम, और क्या खतरनाक तरीके से अपने को यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला है, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के सामने। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जो अपन ने बातें की है वो भैया यही बातें की है कि भैया डबल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है, मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया, बिल्कुल चार्ट के ऊपर दिखाया, सब चीजें आप लोगों को दिखाई, आप लोगों के सामने की है। लेकिन अब आप लोगों का एक छोटा सा काम करना है, मेरा बिल्कुल, चाहे वो मेरा काम मान लो, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो काम ये है कि आप लोग जाइए और पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, जो अपन ने आज इस बोर्ड के ऊपर बातें की है उसका जाके पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, क्या मैंने ये सही बताया या नहीं बताया। आप लोग मुझे
कमेंट करके बताना कि सर आप कुछ गलत बता रहे हो या फिर आप सही बता रहे हो, जो भी आप लोगों का डाउट है वो मुझे पूछ सकते हो। बस आप लोगों को ये जरूर काम करना छोटा सा मेरे कहने के ऊपर। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे बिल्कुल शेयर करना है गाइस, जरूर का जरूर शेयर करना है, ताकि जो लोगों को डबल कैंडल स्टिक बारे में पता नहीं था, ये जो आज अपन ने नए कैंडल स्टिक पैटर्न देखे, ट्विजर बॉटम हो गया, अपने सामने बहुत सारी चीजें अपन ने कवर की है, तो ये बहुत से लोगों को पता लगे। बाकी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी और के ऊपर क्लिक करना है। तो आज की वीडियो में इतना था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।